गुरुदास वाला है जो सरनाम है इस कंठ नाम है तेरे दिल में स्वामी हमारी कल्पना गणियों का ही अपना दिल ईशान दिल का अर्थ है स्वभाव गुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपनी बाणी को बदल किया कितना भयो हमारा आवंत है पूरी लगी सुरत प्रभ चरणी कितने भी चित लगते होंगे उतो फिर आवाम मिल जाऊंगा कई थे उस काल तक वाहेगुरु परमेश्वर की गल है प्रभु से लाभ है तो मेरा जी मेरे चित को सुना नजर है खेड़ा प्रभु फिर सदगुरु की दूसरी प्रभु की कहने आदि आनी तो सभाई आप तो मैं के अंत तक आप तो हम लै के अंत तक जो सहायता है तो वाहगुरु जी उस काल पुरख भी है आज अंत प्रभु सदा सहाई कहने धन हमारा नीत वो धन है मेरा नीत कहने सरसंगी मित्र मित्र कहने नीत अर्थ मित्र उस वाहगुरु ठीक करो उस वाहगुरु निरंकार नीत मित्र कह सदा सहाय धन हमारा नीत किसी जगह पर सदगुरु भी सानू की उम्मीद कहते सानू की उम्मीद कहते कहते करो बेनती सुन मेरे नीता संत पहल की बेना इतने सानू भी नीत नीत का अर्थ है मित्र नवें पातशाह कहते जग रचना संतूर है जान रे नीत सानू उपदेश कर दिया मैं देखो कि माण दे रहे कराया मेरे नीत मित्र नवें पातशाह कह रहे जग रचना संतूर है जान रे नीत नीत का अर्थ है मित्र इतने वाहगुरु कह आदम प्रसरा सहाय धन हमारा नीत धन है मेरा वाहगुरु निरंकार मित्र आदि अंत प्रभ सदा सहाय बाणी आप पढ़ते हैं सुनते हैं आप माई भाई धन वाई भाई पर बाणी को समझना बाणी पर अमल करना बहुत अगला दर्ज है बहुत औखी गल बहुत समझ लेना कि मेरा वाहगुरु निरंकार आप तो लैके अंत तक अखीर तक बंदे की भावना हो गई सतगुर बाद बेली कोई ऐसा है उत्थ सतगुरु भी दो लोगों की गल करते हैं एक लोग भी गल करते सतगुरु की बाणी आलोक की भी गल करते हैं तो परलोक की यह लोग सुखी है परलोक से करो बेनती सुनते मेरा संत इन्हें खाट चलो हरदारा आगे अगे है ना जे अगे कुछ है तो तैयू पातशाह कहने इन्हें खाट चलो हरला इतने लारा कटो काला कटना पाए आज आप संग करते
संत करते हैं, सदगुरु की वाणी द्वारा संत उपदेश करते हैं, संत करते गुर सेवा से भगत समाई तब हे मानस देही पाए, इस देही को सिमरे देव सो देही भज हर किसे, कहे भजो गोविंद पूर मत जाओ मानस जन का यही रहा। आ ला वाहगुरु ग्रंथ साहब की हिंदी कथा कीर्तन बाणी पढ़ने के सुन संगत करो। मैं बेनती तो यह करना कि ये गल प्रपक्ष करके मनना बड़ा औखा है। मैं साखी बहुत ही सुना के कुछ बाणी तो कोई कई साखी है, पर थोड़ा जहा साखी सुन के थोड़ा मन भरोसा कुछ यकीन हो जाता, कुछ समझ आ जाए साखी का बहुत सेवादार गल। आप यह करनी भी कौन समझदा है हे वाहिगुरु कि आद अंत प्रभु सदा सदा आप तो लैके अंत तक सदा एक दिन या दो दिन की गल नहीं, एक जन्म या दो जन्म की गल कर सदा सदा का अर्थ है हमेशा ले। तो वाहिगुरु निरंकार सदा ले सारा मन सेवक दो है महापुरखों ने सोचा भी सेवा देनी है इन्हों की परख करिए रब की होंद कौन मानता। बहुत सारे तो रब की होंद मानते नहीं, कहते रब है ही कोई नहीं है गलत ही आ जग मिठा चगड़ा कि नहीं मिठा रब मानते कोई बहुत सारे तो महापुरखों ने दो जानवर देखे कई मार के लिया। मैं तो साखी सुना थोड़ी समझ आ जाती हो साखी की लोड़ नहीं बाणी तो पर कभी साखी जी जन सब भय पवित्रा सतगुर की सच साखी बाणी सच्ची साखी है। पर कहते न मारे उसे जिथे कोई वेखे ना वचन कर पिंड तो शहर तो दूर चले गए देखे हुए कि कोई बंदा तो देखता नहीं जानवर जरूर रौला पाते जानवरों को भी ज्ञान होंगे सारे ज्ञान ठीक है। उस वाहिगुरु निरंकार ने सब तो ज्यादा सोझी बंदे को बख्शी जिन्ना ज्ञान बंदे को उन्ना किसी होर जीवने को सब तो ज्यादा ज्ञान पर सोझी होंगी रौला पाया एक सेवादार ने रंगा जोड़िया तो जानवर ने मार दिता। दूजा सेवादार सोचता भी महापुरखों ने वचन किया मारे उत्थे जिते कोई वेख रहा ये जानवर हम देख रहे तो रौला पाए बड़े खुश्क पहाड़ से चले गए जिते कोई पशु जानवर कोई बंदा कोई नहीं। जो मैं गल ये करना मरना हो गल पढ़ना गल हो मारने लगे तो मारने फिर वचन याद आ रहा महापुरखों ने कहा कि मारी उठे जिते कोई देखे ये मैनू देखना तो मैं देखना अपनी अखा से पट्टी बन ली कबूतर जानवर के अखा से भी पट्टी बन ली। जो फिर मार लगे ना फिर कहना ठीक है बंदा पशु जानवर ये मैनू नहीं देखता मैं इन्हों नहीं देखता तो वाहगुरु तो देखता ना जैन जैन देखो तह हजूर दूर कतब ना जाए इन कहते सेवादार दोए से एक ने मार के लिया के अगर लड़ता है कहना हम मैं मारा कि जो बंदा पशु जानवर नहीं वेखता वो वाहगुरु तो वेखता ना आद अंत प्रभु सदा सहाई तो धन हमारा नीत वो वाहगुरु हर जगह तो मेरा कहने का भाव पढ़ना तो सुनना कमाई च लियानी गल बड़ी औखी हुई है। वो आप पढ़ते हैं कि आखर औखा साचा नाम कि औखा
रब दे नाम कोई लंबे चौड़े नहीं, वाहेगुरु कितना लंबा चौड़ा, चार अक्षर, राम राम दे दो अक्षर, अल्लाह अल्लाह दे दो अक्षर, मूर्ख तो मूर्ख बंदे नूं लियाओ मैं भगवान, औखा किहड़ा है, यकीन नहीं होता सब, भरोसा नहीं, मन नहीं मानता, आहा आखना औखा, सच्चा ना ये औखा है। और रब का नाम तो बहुत छोटा, हरे हरे गोपाल गोपाल अल्लाह अल्लाह को जपना है, राम राम वाहेगुरु वाहेगुरु किन्ना औखा है, बेसमझ, तो बेसमझ बंदा भी नाम जप सकता, पर सत्संग आखण औखा सच्चा ना हो, मन में जी गल लिखनी है वो है, हम सेवादार दौरे से एक तो वो मार के लिया मुझे रखता, तो दूजा सेवादार कह हम मैं मारा कितने पशु जानवर तो बंदा नहीं देखता, रब का देखता जिथे तू समर्थ जिथे कोई नहीं उथे तेरी रख अग्नि उधर आर अंत प्रभ सदा सहाई चेतन हमारा उम्मीद मन उलास भय साहेब की अचरण देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रपूर्ण पैज सत्संग जी मन का आनंद लेना तो सिमर करके हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रपूर्ण पैज खन समा हो गया भाई सतगुरु जी मेहर कर सानू बाणी ना फिर बाणी ना बाणे की लड़ लो बाणी पहला आते बाणा बाद ख्याल रख बाणी ना बाणी तो जिमें बाबा जी को कोई कहना जी पंथ वास्ते की कर रहे पहले तो बाबा जी बोले कहते भाई दस नितनेम करके आए बाणी पढ़ के आए कहते नहीं कह दस बाणी चो पंथ निकले या पंथ चो बाणी निकली है कह दस बाणी चो पंथ बनया या पंथ चो बाणी बनी है बाणी तो पंथ बनया पंजां प्यारियां नूं पुछका के पंथ साजा है पहला बाणी है तो फिर बाणी जे साडे अंदर बाणी नहीं गुरु ग्रंथ साहिब दे सत्संग जी बाणी नूं फिर कहता ये भी बाणा नहीं पाउणा फिर तो भेद दिखायो जगत बाणी साढ़े अंदर हो गए तो फिर बाणी बाणी का नाम आता है और समा हो गया अपना इतनी समाप्ति कर दे आम करके कई लोग पुछते होंगे भी नानक सरदी मर्यादा की वो ध्यान ना सरवण कर लो बस जो आप हर रोज पढ़ते हैं यह नानक सरदी मर्यादा की पढ़ के सब सीखने को हुक्म है गुरु मान लो ग्रंथ बस गुरु ग्रंथ साहिब गुरु मिलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।